प्लांट यथ पे सभी जगह ऑलमोस्ट मिलते हैं प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप ठीक है जो प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं माउंटेन की स्लोप माउंटेन स्लोप पे इन डेजर्ट्स में इन ओशियंस बेड एंड रिवर वेले ओके तो जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे कहाँ कहाँ पे ग्रो हो सकते हैं है बेटा माउंट्स के माउंटेन स्लोप्स पे भी हो सकते हैं और डिजर्ट में भी हो सकते हैं ना ओशियंस स्पीट ठीक है ओशियंस का मतलब क्या समझते हो जो सागर का ठीक है सागर का निचले वाले जमीन होगा ठीक है उस पर और रिवर वैलेज ठीक है रिवर वैलीज रिवर वैलीज का मतलब क्या समझते हो बेटा कि रिवर ठीक है कोई रिवर हो गया उसके आस पास में के एरिया में ठीक एटसेट्रा द प्लॉन्ट ऑन लैंड डिफर फ्रॉम दोज इन वाटर ठीक है जो प्लांट लैंड पे होंगे वो डिफर्स होंगे किससे जो वाटर में होंगे उनसे द प्लांट ऑन माउंटेन्स स्लोप डिफर फ्रॉम दोज इन डेजर्ट ठीक है वो प्लांट जो माउंटेन स्लोप प्लांट होंगे वो वो डिफर होंगे किससे जो प्लांट डेजर्ट प्लांट होंगे उनसे इफ यू ऑब्जर्व दिस प्लांट्स वेरी केयरफुली ठीक ऑब्जर्व करोगे दिस प्लांट को केयरफुल बहुत ध्यानपूर्वक से तब क्या होगा कि वी विल फाइंड दैट दियर लिप्स स्टेम फ्लावर्स ठीक है तो इसका क्या इसके हो गए स्टेम हो गए और इसके हो होगा क्या होगा बेटा एक्सक्लूसिवली सेकेंड सुटेड टू सरवाइव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे ग्रो ठीक है तो एक्सक्लूसिवली होते हैं ठीक है एक अलग ही प्रकार से पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा होते हैं सुटेड करते हैं उस सर्वाइव्स में जहाँ सर्वाइव्स और सराउंडिंग को जहां पे वो ग्रो करते हैं ठीक द एबिलिटी टू एडजस्ट टू वन एडप्टेशन ठीक है जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने के ठीक है एक प्रॉपर सराउंडिंग में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एडप्टेशन ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ प्लांट देयर इन वेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट यहाँ पे बहुत सारे ठीक है जो यर्थ है लैंड एंड वाटर ठीक तो प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड और कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट और प्लांट दैट ग्रो वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट ठीक तो जो यर्थ है प्लांट के और हमारे जो एर्थ दो, दो है लैंड में? में और दूसरा वाटर में और जो ऐसे प्लांट्स जो लैंड में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट और ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड ठीक है टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होगा ऐसे ऐसे जीव ठीक है जो कहां पे पे लिविंग हो लैंड और क्वेटिक मीन्स जो कहा वाटर में ओके okay? तो नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ग्रो इन द्लांट्स ठीक है सॉरी प्लेन्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो कहा ग्रो होते हैं प्लेन्स में मेसिरियम डिजर्ट हिल्स एंड माउंटेन्स ठीक नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा इन प्लेन्स पे देखते हैं ठीक इन द प्लेन्स ट्री इन प्लेन्स है ठीक है बेटा जो प्लेन्स पी ट्री होंगे उनका क्या होगा थीन होगा ठीक पतला होगा ब्रॉड होगा चौड़ा होगा और लाइट वेट लिप्स होंगे एंड लॉर्ड्स ऑफ ब्रांच और उसमें क्या होगा बेटा बहुत ज्यादा ब्रांच होंगे सो दे कैन ट्रेप अ लॉर्ट ऑफ सनलाइट टू मेक फूड ठीक तो जिससे क्या होता है कि वो जो सन की लाइट आती है उसके ऊपर वो ट्रैप ट्रैप मतलब बेटा रोकता है ठीक है आप प्राप्त करता है ट्रैप ए लॉट ऑफ लॉट ऑफ सनलाइट टू मेक फूड ठीक है सनलाइट को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एब्जार्व कर लेता है और उसको अपने फूड को बनाने में उसका यूज करता है दे सेट देर लिप्स इन विंटर ठीक है ये क्या करता है बेटा कि जो दे सेट, सेट मीन निकलना अपने जो लिप्स होते हैं इसको कम निकलता है विंटर सीजन में दे हैव अ थिक ठीक बॉर्क ठीक ये कैसे होंगे थिक होते हैं और बॉर्क होते हैं फॉर एग्जाम्पल नीम गुलमोहर पीपल पीपल, पीपल अशोक मैंगो बना सॉल एंड सीशम एक इसके एग्जाम्पल है बेटा प्लेन्स एरिया के सेकेंड देखते हैं इन हॉट इन डैम्प एरिया ठीक है हॉट और डैम्प एरिया में कौन कौन से होते हैं बेटा उसको देख लेते हैं ट्री इन हॉट एंड डैम एरिया हैव लॉस ऑफ लिव ठीक है ऐसे प्लांट्स जो हॉट और डैम एरिया में होते हैं उनके पास क्या होता है लॉट्स ऑफ लिव होते हैं बट दे डू नॉट सेट दियर लिव्स इन विंटर ठीक है बट ये जो इनके जो लिप्स होते हैं वो सेट नहीं निकलते हैं कब विंटर में दे रिमेन ओवर ग्रीन ठीक है ये हमेशा कैसे होते हैं ग्रीन बने रहते हैं फॉर एग्जाम्पल्स कोकोनट रबर पेपर एबोनी ओक इन फीड ये कैसे है बेटा हैब्रोड लिप्स इसके क्या होते हैं बहुत चौड़े-चौड़े लिप्स होते हैं पाइन इन पाइन एंड स्प्रूस हैव नीडल लाइक लिप्स ठीक पाइन हो गया और स्प्रूस हो गया उसके पास कैसे होते हैं बेटा नीडल लाइक लिप्स होते हैं ठीक है वैसे उनके लिप्स ऐसे होते हैं जिसे उनको देख के लगेगा क्या कि उसके जो लास्ट वाला कार्नर वाला पार्ट होगा ठीक है वो कैसा लगेगा कि उसमें नीडल जैसा चुभने लायक होगा ठीक है अब देखते हैं हम इन डिजेट डिजर्ट में देखते हैं बेटा मोस्ट प्लांट दैट ग्रो इन डिजेट और विदाउट लिप्स ठीक है जो मोस्ट प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं कहा बेटा डिजर्ट में उनके पास क्या होता है लिप्स नहीं होती हैं पिंकली पीपा डेट पोम कॉकटस एंड पोम और समीक है क्या हो गया बेटा एग्जाम्पल्स हो गए हैं डिजर्ट प्लांट के एन डिजर्ट द टेम्परेचर इज वेरी हॉट डिजर्ट में क्या होता है बेटा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है देयर इज हार्डली मीनी एनी रेनफॉल ठीक है तो वहां पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है Hence, one those plants which need very लिटिल वाटर कैन सर्वाइव दिया ठीक है तो क्या होता है बेटा कैंस वंस जिसके लिए दो प्लांट विच नीड वेरी लिटिल वाटर ठीक है ऐसे प्लांट जिनके पास जिनको बहुत कम वाटर की आवश्यकता हो होती है वहीं सर्वाइव करते हैं डिजर्ट एरिया में प्लांट ग्रोविंग ऑन डिजर्ट स्पाइंस इन स्टेड ऑफ लिप्स ठीक तो जो प्लांट ग्रो करते हैं डिजर्ट एरिया में उनके पास क्या होता है बेटा स्पाइन लगा होता है उनके लिप्स पे स्पाइन प्रिवेंट ठीक है स्पाइन क्या करता है बेटा प्रिवेंट करता है बचाता है किससे आगे हम लोग देखते हैं स्पाइन वाटर लॉस एंड रिटेन वाटर ठीक है वो क्या करता है जो स्पाइन होते हैं वो प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को और वाटर को रिटेन यानी बनाए रखता है फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय ग्रीन स्टेम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे कैरियड होता है बेटा किसके द्वारा ग्रीन स्टेम के द्वारा इन आल्सो इट आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर ये क्या करता है बेटा ये भी फूड और वाटर को स्टोर करता है सम डिजर्ट प्लांट रूट दैट हैीप इन टू द सोइल इन सच ऑफ वाटर ठीक है कुछ ऐसे डिजर्ट प्लांट होते हैं जिनके रूट क्या होता है बहुत डीपली ग्रो हो जाते हैं सॉयल में किसके लिए वाटर को सर्च करने के लिए ओके मर्सी इन स्वेम्पी एरिया ठीक है दलदली स्थानों में जो जाते हैं उनको देखते हैं इसको स्क्रॉल कर लेते हैं बेटा ठीक है क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा हम तो लोग यहाँ देखते हैं ठीक है फिर उसके बाद ऊपर वेरी स्टिकी इन वेट ठीक है जो मसी एरिया होते हैं उसकी क्या होती है सॉइल बेटा बहुत स्टिकी होता है और वेट होता है ठीक है भीगी हुई होती है द्री ट ग्रो दियर हियर इन कॉल्ड मैन ग्रोप्स ठीक है ऐसे ट्री जो कहां पर बेटा मर्सी प्लेस पे ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं ऐसे ट्री को क्या बोलते हैं मैन ग्रोप्स रूट ऑफ दिस प्लांट और एनेबल टू गेट एयर ठीक है जो इसके रूट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा एनेबल होते हैं गेट प्राप्त करने के लिए एयर सो द रूट ऑफ दिस प्लांट कम आउट ऑफ द सोयल टू व्रेथ इन दर ठीक है तो क्या करते हैं इसी की वजह से इनके जो रूट होते हैं बेटा बाहर निकल जाते हैं कम्स आउट ऑफ दॉल से बाहर आ जाते हैं और क्या करते, है? ब्रेथ करते हैं एयर में सच रूट और कॉल्ड ब्रीथिंग रूट ठीक है ऐसे रूट को क्या बोला जाता है बेटा ब्रीथिंग रूट मैन ग्रुप मैन ग्रोप्स इन द सदाबहार बंस इन वेस्ट बंगाल ठीक है सॉरी सदा बार नहीं बेटा मिस्टेक हो गया हो कहीं और देख रहे थे ठीक है सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल तो मैनग्रुव ट्री एक्सर कहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरबन वेस्ट बंगाल में ओके फिर ऑन द दे डेल्टा ऑफ गंगा रिवर ठीक है और ऐसे प्लेस पे जहाँ गंगा रिवर डेल्टा बनाती हूँ ठीक है वहां पे ऐसे प्लांट बहुत ज्यादा दिख जाते हैं आपको नेक्स्ट देखते हैं इन हेली एरियाज ठीक है इन हिली एरियाज में देखते हैं मोस्ट ऑफ द ट्री दैट ग्रो इन हिली एरिया बियर लिप्स थ्रू आउट दर ठीक है मोस्ट ऑफ ट्री दैट ग्रो इन हिली एरिया ठीक है ऐसे ट्री ऐसे मोस्ट ऑफ ट्री जो कहाँ पे ग्रो होते हैं बेटा हिली एरिया में वो क्या करते हैं वो बियर बीर करते हैं ठीक है उनके जो लिप्स होते हैं दिखाई देते हैं थ्रू आउट इन ईयर ठीक है पूरे ईयर में आपको दिखाई देंगे बेटा दे और टोल एन स्टेट ये बड़े होते हैं और बिल्कुल सिद्ध सीध होते हैं दे और एजली कौन सेप एन फ्लॉरलेस ये कैसे होते हैं बेटा यूजली ये कौन सेप में आपको दिखेंगे और फ्लावरलेस होंगे यानी इनके ऊपर फ्लावर आपको नहीं दिखेगा हैंस दे आर कॉल्ड कॉनिफोरेस ट्री ठीक है तो ऐसी ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कॉनिफोरेस ट्री दे है स्लोपिंग ब्रांचेस एंड नीडल लाइक लिव्स टू स्लाइड ऑफ द स्नो ठीक इनके जो स्लोपिंग ब्रांच होते हैं बेटा ठीक हल्के से स्लोप में बने होंगे और लाइक सेप्स ठीक है जो नेडल सेप, सेप, नेडल सेप होता है का, वो क्या करता से हेल्प करता है जो स्नो होता है ठीक है उसको स्लाइड ऑफ करने में ओके इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो गया बेटा पाइन फीट इस पूरे इन केदार्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच ट्री तो हिली एरियाज के एग्जांपल्स कौन-कौन से बेटा पाइनस हो गया फिर हो गया हम एस्प्रेसस हो गया एंड केदार ये एग्जांपल्स हो गए किसके हिली एरियाज के फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या दिया है एक्वेटिक प्लांट्स ओके प्लांट दैट ग्रो इन वाटर और कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट ऐसे प्लांट जो कहाँ पे ग्रो होते हैं बेटा वाटर में उनको क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट दे कैन बी थ्री टाइप्स ये कितने प्रकार के होते हैं थ्री थ्री टाइप्स के होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स फिक्स प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या बेटा फ्लोटिंग प्लांट ऐसे प्लांट जो क्या करते रहते हैं बेटा वाटर के सर्फेस पे तैरते रहते हैं दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ये क्या करते हैं बेटा फ्लोट करते रहते हैं तैरते रहते हैं सर्फेस ऑफ वाटर पे दे और स्मॉल लाइट एंड स्पॉन्जी ठीक है कैसे होते हैं बेटा स्मॉल होते हैं लाइट होते हैं स्पॉन्जी होते हैं देयर स्टेम और स्पॉन्जी एंड हैव एयर स्पोर सो दैट द प्लांट कैन फ्लोट इजली ऑन वाटर इनके जो स्टेम होते हैं फ्लोटिंग प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनके होते हैं बेटा इस, स्पॉन्जी होते हैं और उनमें, उनमें क्या होता है एयर स्पेस होते हैं ठीक है उसमें छिद्र होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बेटा वो प्लांट आसानी से फ्लोट करते रहते हैं वाटर के सरफेस पे द रूट ऑफ सच प्लांट हैंग लूजली वाटर एंड आर नॉट फिक्स टू द ग्राउंड ऐसे प्लांट के रूट जो होते हैं ठीक है फ्लोटिंग प्लांट्स के रूट जो होते हैं क्या करते हैं हैंग करते रहते हैं ठीक है लूजली बिल्कुल आसानी से लटकते रहते हैं इन वाटर एंड आर नॉट फिक्स टू द ग्राउंड और ए फिक्स नहीं ग्राउंड से फिक्स नहीं होते हैं बेटा फिक्स्ड प्लांट दीज प्लांट्स आर फिक्स टू द बेड ऑफ द पॉन बाय देयर रूट्स ठीक है दीज प्लांट जो ए प्लांट होते हैं क्या होते हैं बेटा फिक्स्ड होते हैं बेड बेड का मतलब क्या होता है जो पॉइंट्स होते हैं ठीक है तलावा ग्रह होते हैं उसकी सतह से बाई रूट्स किससे किसके द्वारा अपने रूट्स के द्वारा दे हैव थीन लॉन्ग एंड हाइलो इसके जो स्टेम इस होते हैं कैसे होते हैं बेटा थीन होते हैं लॉन्ग होते हैं और हेलो खोखला होते हैं टू रीच द सर्फेस ऑफ वाटर ठीक वाटर के सर्फेस पे पहुंचने के लिए दीज लिप्स और ब्रॉड एंड हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर सर्फेस ठीक है इनके जो लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा ब्रॉड होते हैं बहुत चौड़े होते हैं और इनमें जो स्टोमेटा होता है वो सिर्फ अपर सर्फेस वाले जो लिप्स होते हैं उन्हीं के ऊपर होता है द लिप्स ऑल्सो अ वैक्सी कोटिंग सो दैट वाटर डज नॉट स्टिक टू देम ठीक है इनके जो लिप्स होते हैं लिप्स होते हैं बेटा वो कैसे होता है वैक्सी कोटिंग होती है ठीक है ऐसा देखता है कि जिसमें से उसमें वैक्स का कोटिंग किया हो सो दैट वाटर डज निक जिससे क्या होता है वाटर स्टिक नहीं करता उसके ऊपर ठीक है चिपकता नहीं है तो ब्रॉडनेस ऑफ लिफ ठीक है ब्रॉडनेस ऑफ लिप जो लिफ की ब्रॉडनेस होती है ठीक है उसकी जो चौड़ाई होने की वजह से क्या होता है दे प्रोवाइड नेस्टिंग प्लेस फॉर समीनी बर्ड्स ठीक है वो नेस्टिंग प्लेस देता है ठीक है नेस्ट बनाने के लिए प्लेस दे देता है जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ऐसे कौन कौन से प्लांट हो गए बेटा लो, लोटस हो गया और वाटर लिली हो गया ओके बट आपके बुक्स में एक और एग्जांपल दिया है हड्रेला का भी तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा हम लोग क्या अंडरग्राउंड प्लांट्स दीज प्लांट्स रिमेन्स कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर ये प्लांट क्या होते हैं बेटा कम्प्लीटली इमर्ज होते हैं वाटर में ठीक है एक कम्प्लीटली वाटर में ही होते हैं मिक्स होते हैं दे हैव नैरो रिबन लाइक विथ नो स्टेमेटा ठीक है इनके पास क्या होता है नैरो रिबन लाइक लिप्स होते हैं जिनके पास कोई भी स्टोमेटा नहीं होता है दे ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस ठीक है ये क्या करते हैं बेटा ब्रेथ करते हैं किससे अपने बॉडी सर्फेस से द स्टीम ऑफ दिस फ्लॉन्ट और फ्लैक्सीबल सो दे सो दैट दे वे विद द फ्लो ऑफ वाटर जो इनके स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं मेटा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल होते हैं जिससे क्या होते हैं कि ये रास्ता दे देते हैं वाटर के फ्लो को दे आर फिक्स टू द सोइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट और क्या करते हैं ये फिक्स होते हैं सोयल से अपने रूट के हेल्प से फॉर एग्जाम्पल्स हाइड्रीला एंड टैपग्रॉस हाइड्रीला हो गया और जो टेपग्रास होगा एग्जाम्पल किसके बेटा अंडरग्राउंड प्लाट्स के दीज प्लांट्स क्लीन द वाटर ठीक है ये क्या करते हैं प्लांट वाटर वाटर को क्लीन करते हैं बाई रिलीजिंग द कार्बन डाई ऑक्साइड ब्रिथ आउट बाई बिग एक्वेटिक एनिमल्स लाइक टैटर्स एंड फिश तो क्या करते हैं बेटा जो वाटर होता है वो क्लीन करते हैं किसके रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इनको मिलकर बेटा जो ब्रेथ करते हैं ठीक है ब्रेथ आउट बाई बिग इवेटिक एनिमल्स लाइक टर्टल एंड फिश ओके दैट्स व्हाई दे आर फूड इन एक्वेरियम इसीलिए इनको कहाँ पे एक्वेरियम में रखा जाता प्लांट ऑफ ग्रॉस फैमिली ठीक है। ग्रॉस फैमिली के प्लांट्स के बारे में देखते हैं द ग्रॉस फैमिली प्लांट ग्रो इन लार्ज नंबर एट द प्लेस विच आर नाइदर टू ड्राई और नॉट वेट ठीक जो ग्रॉस फैमिली प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं बेटा लार्ज नंबर में ठीक है ऐसे प्लेस पे जहाँ जो नहीं बहुत ज्यादा सूखा हो और नहीं बहुत ज्यादा गीला हो मच वाटर इज नॉट नीडेड टू दीज प्लांट ठीक है तो बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं होती है ये सब प्लांट को जैसे राइस हो गया वीट हो गया माइजा हो गया एंड बैंबो हो गया एग्जाम्पल्स है सॉरी ग्रॉस फैमिली प्लांट्स के दीज प्लांट्स आर एचफुल टू एस इन मेनी वे ठीक है जो ग्रॉस फैमिली के प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग वैसे हम लोग के लिए एज फूल होते हैं इसमें फर्स्ट देखते हैं एज दीज प्लांट्स आर मेनली दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन एज दीज प्लांट ठीक है ऐसे प्लांट्स में मेनली जो सैरेल्स होते हैं और okay, क्या करते हैं बेटा प्रोवाइड करते हैं हम लोग को फूड ब्रूम हो गया बॉस्केट हो गया चेयर्स माइट या किससे बनाए जाते हैं बेटा मेड बाय पेप्यूरस ग्रास यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर ठीक है जो पेप्यूरस ग्रास होता है इसका कहाँ पर यूज किया जाता है बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रास फैमिली प्लांट और यूज इन प्रिपेयरिंग सेटेंस मेडिसिन और कुछ ऐसे ग्रास फैमिली के प्लांट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए ड्राइड ग्रास इज यूज टू पैकिंग ऑफ डेलीट आइटम्स ठीक है जो ड्राइड ग्रास होती है यूज किया जाता है किसके जो, डेली, जो डेलीकेट आइटम होते हैं ठीक है जो नाजुक यानी जिसको हल्के से भी चोट लगने पे क्या हो वो उसको प्रॉब्लम हो टूट वगैरह जाए तो ऐसे आइटम्स को पैक करने के लिए ड्राइड ग्रास का यूज किया जाता है अब देखते हैं सम यूजफुल अनयूजफुल प्लांट ठीक है कुछ अनयूजफुल प्लांट होते हैं उनके बारे में हम लोग देते हैं इसमें हम लोग देखते हैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है इंसेक्टिवरस प्लांट ठीक है इंसेक्टिवरस प्लांट सम प्लांट ईट एनिमल्स और इंसेक्ट और कॉल इंसेक्टिवस प्लांट ठीक है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा एनिमल्स और और इंसेक्ट को ईट कर जाते हैं ठीक है खा जाते हैं तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट विनस फ्लाई ट्रप पीचर प्लांट्स एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स ठीक है एग्जाम्पल्स होते हैं किसके इंसेक्टिव प्लांट के उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा क्या नॉन ग्रीन प्लांट ओके नॉन ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट सम प्लांट और नॉन ग्रीन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं दे हैव नो क्लोरोफिल ठीक है इनके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता दे कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिस ये अपना खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं फोटो सेंथेसिस के हेल्प से जब इनमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो ये अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे ओके दे लाइव ऑन एक मिनट बेटा इसको, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं फिर देखते हैं ठीक है दे लाइव ऑन एंड गेट दे आर फूड फ्राम अदर प्लांट्स ठीक है ये लाइव होते हैं किसी और के ऊपर और उसी से अपने फूड को प्राप्त करते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइड्स प्लांट ठीक है इनको पैरासाइड्स प्लांट बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल्स मशरूम इन टोल्ड स्टोर एक इसके एग्जाम्पल है बेटा नॉन ग्रीन प्लॉन्स के ओके तो हम लोग का यह चैप्टर कंप्लीट होता है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ ओके थैंक यू